गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ये आपके हिंदी ग्रामर का पार्ट 2 है। इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों का, मतलब पदों का एक ऐसा समूह जिसका अपना एक निश्चित अर्थ होता हो वाक्य कहलाता है, है ना। इसमें हमने पढ़ा कि अगर वाक्य को उल्टा सीधा, मतलब पदों के समूह को अगर हम उल्टा सीधा करके लिख दें तो वो वाक्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके बात को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकते, है ना। तो जो भी वाक्य हमें लिखना है उनका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, इसका अपना एक अर्थ होना चाहिए, वही वाक्य कहलाता है। तो इसके बाद हमने पढ़ा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जा रही है उसे विधेय कहते हैं। यानी ताजमहल आगरा में है, यानी ताजमहल तो इसका उद्देश्य होगा और आगरा में है उसका विधेय हुआ। इसके बाद हमने रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद देखे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हमने सरल वाक्य के बारे में जाना, जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो सरल वाक्य कहलाता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो क्रिया है, मुख्य जो क्रिया है वो एक ही होगी, वो सरल वाक्य। उसके बाद हमने संयुक्त वाक्य के बारे में जाना। संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य दो अधिक उपवाक्य जो योजक चिन्हों द्वारा जोड़कर एक नया वाक्य बनाते हैं, एक अलग एक ही वाक्य का निर्माण करते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं संयुक्त वाक्य? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जबकि जो मिश्रित वाक्य पढ़ा था उसमें क्या था? एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य हुआ तो वो एक दूसरे वाले वाक्य पर क्या हुआ? आश्रित हुआ ना। तो संयुक्त वाक्य में ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, दोनों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होते हैं, लेकिन इन्हें योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है, समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। समुच्चय बोधक शब्द मैंने कौन कौन से बताए थे आपको? और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, है ना, इसलिए, क्योंकि, ये जो सारे शब्द हैं ये संयुक्त वाक्य के योजक शब्द हैं। इसके बाद पढ़ा हमने मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या था? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अब आप कहेंगे ये उपवाक्य क्या होते हैं, तो अब हम उपवाक्य के बारे में जानते हैं। देखो बच्चों, उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ये हमने मिश्र वाक्य में देख लिया था कि एक तो प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। प्रधान उपवाक्य क्या होगा? जिसकी क्रिया मुख्य होती है। कैसे होगी मुख्य क्रिया? जो मधुर बोलता है वह सबका प्रिय होता है। तो जो मधुर बोलता है, यानी मधुर बोलने वाला मुख्य रूप हो गया। मधुर बोलने वाला जो अच्छा बोलेगा वही तो सबका प्रिय होगा। तो सबका प्रिय होना वो क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हुआ। अब आश्रित उपवाक्य में क्या होगा? देखो, आश्रित उपवाक्य का आरंभ की, यदि, क्योंकि, जो, जिसे आदि से किया जाता है तो वह आश्रित उपवाक्य होगा ना। मिश्र वाक्य को यदि सरल वाक्य में रूपांतरण किया जाए तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के अंतर को सरलता से समझा जा सकता है। यदि हम मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरण करें, रूपांतरण मतलब उनका परिवर्तन कर दें। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, इस बार तो MCQs के आधार पर आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस, तो उसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं उसके आधार पर आपको चुनना है कि कौन सा सही उत्तर है। चार में से, ये चार नंबर का प्रश्न है आपका, इसमें से चार नंबर का प्रश्न आएगा वाक्य के आधार पर, है ना। तो जो मिश्र वाक्य है उसके आधार पर ही हमें, हम पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रधान वाक्य उपवाक्य है और कौन सा आश्रित। तो देखो, वह समय से जागता तो ट्रेन पकड़ लेता, है ना। तो सरल वाक्य, समय से जागने पर वह ट्रेन पकड़ लेता, मतलब जिस वाक्य को हम अगर वाक्य में रूपांतरण यानी वाक्य दूसरे वाक्य में परिवर्तन कर रहे हैं
तो जिसमें कुछ फेरबदल हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, है ना, तो वह क्या होगा, वह आश्रित उपवाक्य होगा, है ना, क्रिया रूपांतरित हो जाएगी, तो वह क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होगा जिसमें क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे जो वह समय पर जागता तो ट्रेन पकड़ लेता, ये तो मिश्रित हो गया। अगर सरल वाक्य में बनाए तो समय पर, समय से जागने पर, तो जागता का क्या हो गया, जागने, समय से जागने पर वह ट्रेन पकड़ लेता, तो ट्रेन पकड़ लेता, ये तो एज इट इज वैसा ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यह क्या है, प्रधान उपवाक्य। प्रधान मतलब हेड है ये, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य है उसमें क्रिया का रूपांतरित हो गई, क्रिया में परिवर्तन हो गया। तो जिसके भी क्रिया में परिवर्तन होगा वह तो कौन सा उपवाक्य होगा, आश्रित, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा वह होगा प्रधान उपवाक्य। क्लियर है। आश्रित उपवाक्य के भेद, आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। पदबंध तो मैंने बताया था आपको, है ना, जो रेखांकित पद होता है उसके बाद, मतलब जो रेखांकित पद है उसमें जो सबसे अंतिम वाला अगर संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध होगा। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हिंसा बंद हो जाए, इस वाक्य में हिंसा बंद हो जाए आश्रित संज्ञा उपवाक्य है। कैसे है, क्योंकि ये जो हम चाहते हैं, है ना, हम चाह रहे हैं, ये प्रधान हो गया, ये इसके ऊपर आश्रित है कि हम चाहते हैं हिंसा बंद हो जाए, तो ये चाह रहे हैं ये चीज़, तो ये इसके ऊपर आश्रित है हिंसा बंद हो जाए, है ना। कैसे, कौन कह रहा है, हम चाह रहे हैं इसलिए ये ऐसा हो रहा है, तो ये संज्ञा क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य हुआ। अगला है विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हों उन्हें विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। जैसे जो ईमानदार होगा उसे ही इनाम मिलेगा। अब यहाँ पर इस वाक्य में जो ईमानदार होगा आश्रित उपवाक्य है और यह प्रधान उपवाक्य उसे ही इनाम मिलेगा के संज्ञा या सर्वनाम उसे की विशेषता बता रहा है। उसे की विशेषता किसे बता रहा है, जो व्यक्ति ईमानदार है, मतलब उसे ही इनाम मिलेगा, किसे मिलेगा, जो ईमानदार है, ये इसके ऊपर आश्रित हो गया ना। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य का आरंभ सर्वनाम जो या इसके रूप से, जिसने, जिसे, जहाँ, जिनको, जिनके लिए, इन आदि से होता है। मतलब विशेषण उपवाक्य किससे होगा, जो, जहाँ, जिनसे, जिनको, ये जो सारे शब्द हैं ये विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएंगे। अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया बताते हों उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई वैसे ही ट्रेन चल दी। अब इस वाक्य में जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, ये तो है आश्रित उपवाक्य, यह प्रधान उपवाक्य वैसे ही ट्रेन चल दी, मतलब इसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया की विशेषता क्या थी, गार्ड ने हरी झंडी दिखाना, हरी झंडी दिखाई तभी तो ट्रेन चली, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है ट्रेन का चलना। ट्रेन का चलना मतलब हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन चल दी, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि उसको, मतलब जैसे ही सिग्नल मिला उसने अपना काम शुरू कर दिया, इसलिए ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और इसमें उपवाक्य जैसे, जब, जहां आदि योजक द्वारा जोड़ा जाता है। और जो विशेषण वाला था उसमें किसमें जोड़ा जाता है, जो, जिसने, ऐसे शब्दों से, किसने था, जो, जहां, जिसने, जिसे, जिनको,
और यहाँ पर जैसे, जब और जहाँ। इसके बाद उपवाक्य निम्नलिखित पांच प्रकार के होते हैं, काल सूचक उपवाक्य, स्थान सूचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और परिणामवाचक। ये सारे उपवाक्य हैं। इसके बाद आपका है वाक्य रूपांतरण। अब वाक्य रूपांतरण मतलब रूपांतरण का सबसे पहले तो अर्थ जाने आप। रूपांतरण का अर्थ क्या होता है? रूप में परिवर्तन करना। किसी वाक्य को उसमें निहित भाव और विचारों में परिवर्तन किए बिना रचना की दृष्टि से किसी दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। क्या कह रहा है? रूपांतरण का अर्थ क्या होता है? रूप में परिवर्तन करना। यानी अगर मिश्र वाक्य है तो उसको सरल वाक्य में परिवर्तन करना, संयुक्त को सरल में बनाना, मिश्र को सरल में बनाना, संयुक्त को मिश्र में बनाना। मतलब हम इन तीनों को छह प्रकार से वाक्य रूपांतरण कर सकते हैं। यानी क्या कह रहा है कि जो वाक्य किसी वाक्य को उसमें निहित भाव विचारों में परिवर्तन किए बिना रचना की दृष्टि से किसी दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। मतलब शब्दों को वैसा का वैसा ही देखना है लेकिन उसमें परिवर्तन होना चाहिए। भाव और विचारों में परिवर्तन किए बिना ही हमें दूसरे विचार वाक्य में परिवर्तन करना है। जैसे सरल से संयुक्त वाक्य, सरल से मिश्र वाक्य, संयुक्त से सरल वाक्य, संयुक्त से मिश्र वाक्य, मिश्र से सरल वाक्य और मिश्र से संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, है ना। और इनमें ही निम्न प्रकार से वाक्य का रूपांतरण किया जाता है। जैसे सबसे पहले है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। अब संयुक्त वाक्य में क्या था? दो सरल वाक्य थे, उसमें और शब्द का क्या था? योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ था। जैसे राम, मैंने राम को देखा और उस पर मोहित हो गया। तो अब सरल वाक्य में कैसे बनाना है? राम को देखते ही मैं उस पर मोहित हो गया, यानी और शब्द का लोप हो गया और इसको सरल बनाकर एक ही क्रिया बनाई, है ना। मैं घर से बाहर निकला और बारिश होने लगी। मेरे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। ये किसे? संयुक्त से सरल में। अब मिश्र से सरल में कैसे बनाएंगे? वह जो काला सा आदमी है उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उस काले से आदमी का स्वभाव अच्छा नहीं है। सरल वाक्य में बनाना है मिश्र वाक्य से। ऐसे ही संयुक्त को मिश्र वाक्य में किस प्रकार बनाएंगे? मैंने राम की बात मानी इसलिए मुझे सफलता मिली। तो ये संयुक्त वाक्य है, इसको मिश्र में बनाइए। जब मैंने राम की बात मानी तब मुझे सफलता मिली। तो ये सारी आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। सबसे पहला तो सरल से मिश्र से सरल में, अब मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। जैसे ही बारिश हुई वैसे सब भागने लगे। संयुक्त वाक्य में बारिश शुरू हुई और सब भागने लगे। जब मैंने चश्मा लगाया तब मुझे साफ दिखाई दे, मैंने चश्मा लगाया और मुझे साफ दिखाई दिया। ये सारे जो वाक्य हैं इन वाक्यों का रूपांतरण करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आप सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, मिश्र को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में और मिश्र को सरल में, सरल को संयुक्त में, इस प्रकार से इनको बनाकर प्रैक्टिस करेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।